कितनी मनीषा वाल्मीकि निर्भया दिशा शालियन और मरेंगी तब हमारे देश में एक कानून लागू होगा, जो बलात्कार करे उसे तुरंत के तुरंत मौत की सजा दी जाए, या फिर उसे उसी चौराहे पर या उसी जगह पर लाकर उसी तरीके का व्यवहार किया जाए जैसा उस लड़की के साथ में हुआ है। ऐसा सख्त कानून हमारे भारत देश में कब लगेगा? मैं सारे अधिकारियों को, हमारे प्रधानमंत्री को ये विनंती करना चाहूँगी कि हमारी बेटियों के लिए, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके लिए हम इतना अपना जीवन दान करते हैं, सब कुछ दांव पर लगाते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ नाम करे, कुछ बने, फिर पढ़ी लिखी दिशा सालियन जैसी कपड़े बिगर उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए, या फिर मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की को अत्याचार बलात्कार कर कर हाथ पैर तोड़कर जला दिया जाए और उसके माँ बाप को हक भी ना दिया जाए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। कोई ऐसा सुशांत सिंह राजपूत जो उसके लिए आवाज उठाने जाए तो उसको भी मार दिया जाए। ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा? कब कोई आवाज लगाएगा? कब हम बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी धर्म जात किसी भी तरीके का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट किए बगैर इंसानियत के नाम से इंसान के लिए लड़ेंगे और इंसान के लिए एक कानून बनाएंगे? आत्मनिर्भर भारत में औरतों का सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहला कानून यही पास होना चाहिए कि उसको अगर कोई बलात्कार करने की कोशिश करता है या बलात्कार होता है तो उसके परिवार वाले या वो औरत जाकर उसका तुरंत हक, उसका खात्मा, उसका अंत करे। दो चार केसेस में इस तरीके का न्याय होगा तो जो भी बलात्कार करने के लिए सोचता है उसका दिल, दिमाग और अकल ठिकाने आ जाएगी। मेहरबानी करके इस कानून पर गौर कीजिए।